सुप्रभात। कक्षा 3 के सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। बच्चों, आपकी हिंदी प्रथम पुस्तक हिंदी व्याकरण एवं रचना से आज मैं आपको पाठ 14 पर्यायवाची शब्द पढ़ाऊंगी। पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थक शब्द भी कहते हैं, जैसे सरस्वती। विद्या की देवी कौन है? सरस्वती माँ। ठीक है, तो उनको कई नामों से जाना जाता है, जैसे भारती, शारदा, वाग्देवी। तो ये सभी नाम किसका है? सरस्वती। सरस्वती का ये पर्यायवाची शब्द हो गया। ये सभी समान अर्थ है, एक ही के ये कई रूप में नाम है। ठीक है, इसी प्रकार स्त्री को नारी, महिला, औरत कहा जाता है। तो ये सभी क्या है? स्त्री। बेटा, बेटा को पुत्र भी कहते हैं, सुत और आत्मज भी कहते हैं। ठीक है, अब आप अपनी पुस्तक का पेज नंबर 52 खोलिए, पाठ 14 पर्यायवाची शब्द, इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पाठ 14 पर्यायवाची शब्द, इसे सिनोनिम्स भी कहते हैं। अपनी बुक में ध्यान से देखिए। सरस्वती, भारती, शारदा, वाग्देवी। स्त्री, नारी, महिला, औरत। उपर्युक्त चित्रों में, ये जो चित्र बने हैं, उपर्युक्त चित्रों में सरस्वती के लिए भारती, शारदा और वाग्देवी तथा स्त्री के लिए नारी, महिला और औरत शब्द का प्रयोग किया गया है। यही शब्द पर्यायवाची शब्द हैं। पर्यायवाची की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ सिनोनिम्स। जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। इन्हें समानार्थक शब्द भी कहा जाता है, जैसे बेटा, पुत्र, सुत, आत्मज। पहाड़, शैल, गिरि, पर्वत। चांद, सोम, शशि, चंद्रमा। कुछ और पर्यायवाची शब्द इस प्रकार, पहला है अंधेरा, अंधकार, तम, तिमिर, तमस। ये अंधेरा का पर्यायवाची शब्द क्या है? अंधकार, तम, तिमिर, तमस। घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? अश्व, है, तुरंग, बाज। तीसरा, आंख। आंख का पर्यायवाची शब्द क्या है? लोचन, चशु, नेत्र, नयन। चौथा है आकाश। इसका पर्यायवाची शब्द अंबर, गगन, नभ, आसमान। पांचवा, भगवान का पर्यायवाची शब्द क्या है? ईश्वर, परमेश्वर, जगदीश, प्रभु। छठा है कमल। कमल का पर्यायवाची शब्द नीरज, जलज, अंबुज, सरोज। सातवां, गाय। गाय का पर्यायवाची शब्द गौ, धेनु, सुरभि, कपिला। आठवां, रात। रात्रि, निशा, यामिनी, रजनी। नवा, पेड़। वृक्ष, पादप, तरु, विटप। दसवां है प्रार्थना। अनुरोध, विनती, निवेदन, याचना। ग्यारहवां है धनी। अमीर, धनवान, संपन्न, रईस। बारहवां, आरंभ। श्री गणेश, सूत्रपात, शुरुआत, उपक्रम। ये सभी क्या कहलाते हैं? सभी किसके पर्यायवाची हैं? आरंभ के। 13, अच्छा, उत्तम, श्रेष्ठ, उत्कृष्ट, बढ़िया। 14 देखिए, कोशिश का पर्यायवाची शब्द है प्रयास, प्रयत्न, चेष्टा, यत्न। 15वां, समाचार, इसका पर्यायवाची शब्द है खबर, हालचाल,
वार्ता वृत्तांत। 16 गंगा, गंगा का पर्यायवाची शब्द है भागीरथ, जाह्नवी, सुरसरी, देव नदी। फिर 17 देखिए गरीब, गरीब का पर्यायवाची शब्द निर्धन, दरिद्र, दीन, कंगाल। 18 पैर, पैर का पर्यायवाची शब्द चरण, पग, पांव, पद। 19 तालाब, तालाब का पर्यायवाची शब्द क्या है बच्चों? सरोवर, सर, ताल, तड़ाग। 20 दीप, दीप का पर्यायवाची शब्द, दीप का पर्यायवाची शब्द देखिए दीपक, दिया, चिराग, क्षमा। फिर है 21 मूल्य, मूल्य का पर्यायवाची शब्द, मूल्य का पर्यायवाची शब्द कीमत, दाम, मोल, दर। बच्चों अगर आपसे पूछा जाए पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए, तो उत्तर क्या होगा? जो शब्द समान अर्थ वाले होते हैं उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अब इसमें उदाहरण स्पष्ट करना है, उदाहरण सहित इसको स्पष्ट करना है। तो उदाहरण क्या, कोई भी दो उदाहरण ले लेंगे, जैसे उदाहरण अर्थात जैसे, जैसे पहाड़, पहाड़ का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? शैल, गिरि, पर्वत। दूसरा चांद, चांद का सोम, शशि, चंद्रमा आदि। ठीक है, इससे स्पष्ट हो गया कि पर्यायवाची शब्द समान अर्थ वाले शब्दों को कहते हैं। दूसरा प्रश्न आपसे पूछ सकते हैं, पर्यायवाची शब्दों को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको पता है समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, तो समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं, इसीलिए उसका एक और नाम पड़ा है समानार्थक शब्द, यानी समान अर्थ वाले शब्द। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक शब्द के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है बच्चों, अगर आपसे पूछा जाए पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो भी आप बताएंगे समान अर्थ वाले शब्दों को पर्यायवाची शब्द कहते हैं। अगर पर्यायवाची शब्द का जिक्र ना हो, इसकी जगह पे अगर कह दिया गया कि समानार्थक शब्द किसे कहते हैं, तो इसका भी क्या होगा, इसकी परिभाषा भी क्या होगी? समान अर्थ वाले शब्दों को समानार्थक शब्द कहते हैं। तो ये दोनों एक समान, ठीक है, यानी पर्यायवाची शब्दों को समानार्थक शब्द भी कहते हैं और समानार्थक शब्द को पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। समझ में आया बच्चों? आज मैंने आपको जितना भी पढ़ाया है, समझाया है, उसे एक बार बहुत अच्छी तरह पढ़ेंगे और कंठस्थ करेंगे, ठीक है, याद करेंगे। धन्यवाद।